आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नमस्कार साथियों, विज्ञान विषय के अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, का भाग 5 पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा पदार्थों को पृथक्करण की मुख्यतः अपने कुछ विधियां पढ़ी थी, जिसमें पहली थी वाष्पीकरण। वाष्पीकरण विधि पढ़ी अपने, उसके बाद हमने पढ़ा था विभेदी निष्कर्षण विधि। तो आज हमारी जो विधियां हैं, आज अपन दो विधि के बारे में पढ़ेंगे। पहली विधि का नाम है आसवन विधि, दूसरे का नाम है ऊर्ध्वपातन विधि, सब्लिमेशन। तो आज अपन दो विधियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास में है आसवन विधि। आसवन विधि दो द्रव्य पदार्थों के लिए प्रयोग में ली जाती है। इसमें दो तरलों में उनके क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट का लगभग 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतर हो, ऐसे तरल पदार्थों को या ऐसे वाष्पशील पदार्थों का पृथक्करण अपन आसवन विधि से कर सकते हैं। अपन इस चित्र के द्वारा आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये आसवन फ्लास्क है, नीचे बंडल लगा है, स्टैंड है। ये संघनन के लिए एक साइड से शीतल द्रव आता है, दूसरी साइड से वह द्रव बाहर निकलता है। ये आसवन फ्लास्क, इस आसवन फ्लास्क में हमने जल और पेट्रोल का मिश्रण लिया। जल और पेट्रोल के मिश्रण को पृथक करने के लिए अपन आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। जैसा कि अपन को पता है कि जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जल का क्वथनांक हमें पता चल गया 100 डिग्री सेल्सियस, और पेट्रोल का अपन मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस। तो इनके दोनों के बीच में जो अंतर आया हमारे पास में वो लगभग 70 डिग्री सेल्सियस का है, अर्थात 30 से ज्यादा का अंतर है। तो अपन इस विधि के द्वारा इन दोनों को विभक्त कर सकते हैं। जैसे कि अपने इस बर्नर को स्टार्ट करके इसको उष्मा दी हमने, अपन उष्मा देते हैं। तो सबसे पहले मान लो मैं यहाँ का टेम्परेचर इन दोनों के मध्य यानी जल और पेट्रोल के, अर्थात पेट्रोल का 30 डिग्री और जल का 100 डिग्री, इन दोनों के बीच का तापमान रखता हूँ। मान लो मैं रखता हूँ 50 डिग्री सेल्सियस। तो 50 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो अपन देखते हैं कि पेट्रोल का क्वथनांक अपने माना 30 डिग्री और अपन जो ताप दे रहे हैं 50 डिग्री, तो अपन देखते हैं इस मिश्रण में से धीरे धीरे पेट्रोल वाष्पित होना शुरू होता है, और वाष्पित होने के बाद इस नली के द्वारा यहां पहुंचता है, और यहां ये संघनन विधि के द्वारा जल का संघनन हो रहा है। एक साइड से जल को बाहर भेज रहे हैं अंदर और दूसरी साइड से बाहर निकाल रहे हैं। तो इस नली में जब पेट्रोल, वाष्पशील पेट्रोल जब जाएगा तो इस संघनन प्रक्रिया के द्वारा अर्थात किसी गैस को ठंडा करके द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। तो
तो अपन देखते हैं इस नली में से वाष्पशील जो पेट्रोल है वह द्रवित अवस्था में आकर इस बीकर में आकर इकट्ठा हो जाता है और जल का जो क्वथनांक है वह 100 डिग्री है, अर्थात जल अपनी ही अवस्था में रहेगा। तो जल यहाँ पर शेष रह जाएगा और यहाँ से जो पेट्रोल था वह इस बीकर में आ जाएगा। इस प्रकार से अपन दो द्रवों को जिनके क्वथनांक के बीच लगभग 30 डिग्री का अंतर होना चाहिए उन पदार्थों को अपन इस आसवन विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। अब हमारे पास में आते हैं ऊर्ध्वपातन विधि सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि वे ठोस पदार्थ अर्थात किसी ठोस को अपन ऊष्मा देते हैं तो नियम है कि द्रव में बदले, द्रव से वह गैस में बदले। परंतु ऊर्ध्वपातित जो पदार्थ होते हैं वह ठोस से ऊष्मा पाकर सीधे ही द्रव में बदले बिना गैस में बदल जाते हैं, अर्थात किसी ठोस का गैस में परिवर्तित हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और इस विधि के लिए हमने एक उदाहरण लिया है जिसमें नमक और कपूर का मिश्रण है। तो नमक और कपूर के मिश्रण को अपन ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। इसमें एक वाष्पशील होगा और दूसरा जो होगा वह अवाष्पशील होगा। अवाष्पशील के रूप में हमारे पास में है नमक और वाष्पशील के रूप में हमारे पास में है कपूर। तो अपन देखते हैं कि कपूर ठोस से द्रव में बदले बिना सीधा ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो अपने एक कीप लिया, उसके मुंह पर रूही लगा दी, फिर अपने एक चीनी का बर्तन एक प्लेट ली और उसको स्टैंड पे रख के बर्नर के द्वारा अपने इसको उष्मा देते हैं। तो उष्मा पाकर जो ये कपूर होता है, इस कपूर और नमक के मिश्रण में से कपूर वाष्पशील अवस्था में आकर इस कीप के ठंडे भाग के किनारों पर वाष्प से ठंडा होकर पुनः ठोस अवस्था में आकर यहाँ इकट्ठा हो जाता है और शेष हमारे पास में शेष रह जाता है नमक, अर्थात कपूर इसमें से पहले वाष्प में आकर इसके किनारे यहाँ बंद होने की वजह से इनके किनारों पर वह ठोस से पुनः किसमें बदल जाता है गैस में और गैस से पुनः किसमें बदल जाता है ठोस में बदल जाता है और वह यहाँ पर जाकर इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि एक वाष्पशील पदार्थ अपन को अलग होकर मिश्रण के रूप में प्राप्त, मिश्रण से अलग होकर प्राप्त हो जाता है, अर्थात कपूर अलग हो जाता है और शेष अपन के पास में नमक रहता है। आज अपन पदार्थों के पृथक्करण की मुख्य दो विधियां पढ़ी, जिसमें पहला आसवन विधि और दूसरा ऊर्ध्वपातन विधि। आज हमारा वीडियो यहीं तक है और इसका गृह कार्य आप अपनी कॉपी के अंदर जो करना है मैं आपको गृह कार्य के रूप में पीडीएफ में जो प्रश्न उत्तर दूंगा वो आपको करना है। नमस्कार।